अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा सवाल डेमोक्रेसी से ही रिलेटेड है। डेमोक्रेसी एक बेहतर सिस्टम है, ना कि एक परफेक्ट सिस्टम। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि देखा अक्सर, और खासतौर से आजकल के जमाने में यही देखा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स हैं, दे आर टर्निंग इनटू मेजोरिटेरियन स्टेट्स। ठीक है, वो जमहूरी के बदले एक मेजोरिटेरियन स्टेट बन जाते हैं। उसमें एक जनरली एक छोटी कम्युनिटी जिसका इतना ज्यादा वोट नहीं हो पाता है, क्योंकि वोट से ही उसमें इंतखाब होता है और लीडर्स चुने जाते हैं और रूलर्स चुने जाते हैं, तो वो काफी आसानी से ये इस पे आ जाते हैं। तो आपका क्या कहना है कि मतलब इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि सारी कम्युनिटीज छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनको हक मिलना चाहिए, उनको पीसफुली रहना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में ये देखा गया है कि मतलब वो काफी आसानी से मेजोरिटेरियन वो पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ जाते हैं। मेरे भाई, दुनिया में आप जो भी निज़ाम बनाएंगे वो परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया इस उसूल पर कायम ही नहीं की गई। यहाँ तो अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक को भी कामिल नहीं किया। इंसान को भी बीमारियां लाइक होती हैं, बूढ़ा भी होता है, बहुत से इस महलाल से भी गुजरता है। तो ये दुनिया बनाई इस स्कीम पर गई है। हम भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं कि बेहतरी का सफ़र जारी रखें। तो बड़ी मुश्किल से इंसान ने जमहूरी तरीके को इख्तियार किया है, दरवाज़ा खुला हुआ है। इसमें भी तजावीज़ पेश करनी चाहिए, इसको बेहतर करना चाहिए जितना किया जा सकता है। बाकी जिस मसले को आपने बयान किया उसमें मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। मेरे नज़दीक कौमी रियासत क्या होती है, इसको अभी तक गहराई में तस्लीम ही नहीं किया गया। ये जिसको आपने बयान किया है कि एक अक्सरियत की मजहबी सी रियासत बनती जा रही है या नस्ली रियासत बनती जा रही है, तो उसकी वजह यह है कि कौमी रियासत क्या होती है उसको तस्लीम नहीं किया गया। ये मसला जमहूरियत का नहीं है, बल्कि इस बुनियादी तसव्वुर का है। मैं जिस मुल्क से ताल्लुक रखता हूँ और जिसमें मैंने कमोबेश 50-60 साल की पब्लिक लाइफ गुजारी है, उसका बुनियादी प्रॉब्लम ही यही है। वहाँ लोग ये मानते ही नहीं है कि पाकिस्तान एक कौमी रियासत। कौमी रियासत का मतलब यह है कि ये मुसलमानों की रियासत नहीं है, ये हिंदुओं की रियासत नहीं है, ये असल में इस खित्ते अर्ज में रहने वाले सब लोगों की रियासत है। ये सब बराबर के शहरी हैं, इनके दरमियान कोई तफरीक नहीं कायम की जा सकती। और अगर कोई पार्टी बनती है तो वो अपना प्रोग्राम लेके आएगी, लोग उसकी तायिद करेंगे, और उसके बाद ये लोग हैं कि जो अपनी राय से अगर उसको हक़ हुकूमत देते हैं तो वो 4 साल 5 साल हुकूमत कर लेंगे। इसमें भी इफरात व तफरीत होगी, क्योंकि कोई इंसानी काम भी कामिल नहीं होता। लेकिन अगर बहुत बड़ी अक्सरियत कौमी रियासत को मान ले, जिस तरह के मिसाल के तौर पर अमेरिका में ज्यादा बड़ी अक्सरियत, बड़ी तादाद इसको मानती है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ भी मौजूद है कि जो असलन इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वहां तासुब कोई भी हो सकता है। मैं 10 साल मलेशिया में रहा, तो मलेशिया के जो लोग हैं जिनको मलय कौम के लोग कहते हैं, वो इस उसूल को नहीं मानते। नहीं मानने का मतलब ये है कि अगर आप इसके तमाम नतायज के साथ इसका तारी, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बहुत से लोग मुसलमान हैं लेकिन वो इस्लाम से वाकिफ नहीं होते। तो कौमी रियासत को इस तरह वो कहते हैं ये मलय रियासत। इसी तरह से भारत में एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो कहती है कि ये हिंदुओं का मुल्क है। यहाँ हिंदू एक कल्चर भी है, एक तहजीब भी है, एक मजहबी रवायत भी है, ये उनका मुल्क है। बस जिस वक्त आप इससे उठेंगे और इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे कि मौजूदा दुनिया में बड़े पैमाने पर नकल मकानी हो चुकी है, अगर एक जगह एक गिरोह की अक्सरियत हो गई है तो दूसरी जगह किसी दूसरे गिरोह की है। हिंदू बांग्लादेश में भी रहते हैं, पाकिस्तान बना तो वो वहां भी थे, सिख किधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, वो अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, वो अब मगरबी मुल्कों में भी चले गए हैं, यूरोप के बहुत से मुल्कों में भी मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल तकाजा करती है कि हम ये समझें कि इस वक्त दुनिया को अगर अमन पर रखना है तो इसका हल ये है कि कौमी रियासत के तसव्वुर को कबूल किया जाए। तो मसला जमहूरियत में नहीं है, मसला इस तसव्वुर को कबूल न करने में है। इस पर लोग ज्यादा बात नहीं करते, हिंदुस्तान में भी नहीं होती, पाकिस्तान में तो ममनुआत में से है। मैंने जब 2015 में वो अपना मजमून लिखा जिसका उन्वान था कि
इस्लामी रियासत एक जवाबी बयानिया, और उसमें मैंने ये बताया कि पाकिस्तान एक कौमी रियासत है, तो मेरे अपने करीबी अहबाब ने इस बात को कबूल करने से इनकार कर दिया। तो असल चीज़ ये है कि आप इस तसव्वुर को रासिख करें, और तसव्वुरात बहरहाल जद्दोजहद का तकाजा करते हैं, वो बैठे बैठे रासिख नहीं हो सकते। दुनिया ने फतुहात के दौर से निकल कर कौमी रियासत तक पहुँचने के तसव्वुर को अभी हाल में मुस्तहकम किया है, इसकी तारीख 150 सदी भी नहीं है, तो इसमें अभी बहुत जद्दोजहद की ज़रूरत है। तो मसला जमहूरियत में नहीं है, मसला इस तसव्वुर में।